हाउस ऑफ डिसिपियड एक साउथ कोरियन मूवी है। ये फैंटेसी हॉरर सुपरनेचुरल बेस्ड मूवी है। इसकी कहानी फोकस करती है एक महिला पर जो 10 साल से उस घर में रह रही है और किसी ने उसके पति को मार दिया है और उसके सामने उसका बच्चा गायब हो जाता है घर में। तो घर में एक बेसमेंट है जहाँ अजीब अजीब से आवाजें आ गई है, तो उसे पता चलता है शायद यहाँ भूतों का वास है या क्या है। तो वो बहुत सारे लोगों से चेक कराती है पर कोई हल नहीं मिलता। फिर उसे जैसे कि उसके पति को किसी ने मार दिया है पुलिस पकड़ के ले जाती है और वो 25 साल बाद लौटी है घर में और वो बूढ़ी हो चुकी है। तो एक प्रीस्ट है और वो उसकी मदद करना चाहता है क्योंकि उसे भी लगता है इस घर में कुछ गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। ओवरऑल ये फिल्म बहुत अच्छी है, सबने बहुत अच्छा काम किया है। हॉरर एलिमेंट जो डालने की कोशिश की है वो बिल्कुल डरावने नहीं है, फिर भी देखने में मजा आता है क्योंकि कहानी में इंटरेस्ट बना रहता है क्योंकि हमें भी जानना है उसका बच्चा कहां गायब हो गया उसके सामने से और उसके पति को किसने मारा है। ओवरऑल उसका पति कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था, फिर भी फिल्म बहुत अच्छी है और इसमें सबने बहुत अच्छा काम किया है। जो इसमें टाइम ट्रैवलर का एलिमेंट डाला गया है ना हॉरर के रूम में, उसे देखने में मजा आता है और उसे देखते कॉल मूवी की याद आ जाती है। और वो मूवी हिंदी में अवेलेबल है, आप जरूर देखे नहीं देखे देखिए। तो ये फैमिली फ्रेंडली मूवी है, इसमें कुछ भी अजीब या नहीं दिखाया गया। वैसे जैसे मैंने कहा इसमें कोई हॉरर एलिमेंट है नहीं बहुत बड़ा, नाम की हॉरर मूवी है। तो आप इसे एंजॉय करोगे अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद है। तो फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू में। अलविदा।